अंकल ये लो। बढ़िया चलो। भैया ये देखो भाई, झटके मरवा रहा है जान जान कर। ये यहाँ से पता लग जाता भाई बेकार लोगों की पहचान। वेलकम बैक टू द फ्रेश न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो भाई होने वाली है टोटली भाई, अभी कुछ भी शेड्यूल नहीं पता बिकॉज एंड अभी मैं जा रहा हूँ पापा की शॉप पर एंड फिर हम चलेंगे भाई, क्योंकि आज पापा ने कहा है मेरे को यमुनानगर जाना है, शॉप का काम है। और बाकी देखते हैं भाई अपना, फिर मोटो ब्लॉग बनाते हुए चलेंगे अगर भाई यमुनानगर गए तो। बाकी मेन शेड्यूल वहाँ पर ही पापा बताएंगे कि कैसा करना है, अगर नहीं होगा तो वापस अपना मोटो ब्लॉग बनाकर आराम से एक बढ़िया सा RS पर मोटो ब्लॉग बनाएंगे और वापस आ जाएंगे। बाकी जो YouTube वगैरह के स्टिकर छपवाने आज मेरे को, वो छपवाने हैं ज़रूर है भाई। और बाकी भाई चलते हैं भाई बिना किसी देरी के, लेट्स गो। तो भाई अभी आप सोच रहे होगे कि मैं अपने घर से दुकान पर जा रहा हूँ, पर ऐसा नहीं है। अभी मैं दुकान से होकर आ चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ यमुनानगर की तरफ। तो पापा ने मेरे को क्या कहा है कि भाई एक पेमेंट लेकर आनी है वहाँ से, जो कि भाई पापा के फ्रेंड ने ली थी पापा से, तो मेरे को लेकर आनी है। और मैं सोच रहा हूँ यार आते वक्त ना अपनी बाइक का वो रेडिएटर फैन एक बार चेक करवा लूँ कि भाई क्या दिक्कत है। और देखते हैं भाई अब कराए लेंगे यार, अगर जा रहा हूँ तो उनसे पूछूंगा अगर यार टाइम लगेगा, बस टाइम ना लगे ना। लेट्स गो। अभी भाई फ्यूलिंग करवाते हैं सबसे पहले तो यार बाइक में। अब यहाँ से मेरे को पता लग जाएगा कि मेरी बाइक का मीटर चल रहा है या नहीं चल रहा भाई। यार मैं ना व्लॉग भाई रोज़ बनाता हूँ, पर जो व्लॉग मेरे को अच्छा लगता है यार मैं वही अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं है कि यार मेरा हर व्लॉग अच्छा नहीं बनता, पर एक मेरे को तसल्ली से नहीं होती। बाकी यार अगर आपको मेरे अच्छे लगते हैं यार वीडियोस तो प्लीज़ जो भी नया भाई सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से 3K करा दो। 1 नवंबर को मेरा बर्थडे है तो 10 दिन रह गए यार, उससे पहले पहले करा दो। तो जल्दी से फ्यूल डलवाते हैं सबसे पहले तो। 160 का कर दो। पेट्रोल पंप के पीछे लिखा था मास्क नहीं पहनोगे तो पेट्रोल नहीं मिलेगा, खुद नहीं मास्क डाला और ब्लेम हम सब लोगों करते हैं। वाओ यार, मतलब बाइक चलाने का ना सिर्फ ऐसे रोड पे ही मज़ा आता है। और भाई यार मैं पूरी टाइम में लगा हूँ एक सब आपको सरप्राइज़ देने का, मतलब मैं अपने आप को एक सरप्राइज़ दूंगा यार बहुत जल्दी दूंगा, कि मैं एक अपना क्वालिटी अपग्रेड करना चाहता हूँ मोटो व्लॉग की। क्योंकि बेसिकली यार मैं ना मोटो व्लॉग ज़्यादा करता हूँ, तो मोटो व्लॉग में मेरे को क्वालिटी अपग्रेड करनी है जैसे भी कर। फिर अपन DSLR पर आएंगे, फिर उसके बाद ड्रोन पर, फिर जहाँ पे भी रुकेंगे ड्रोन शॉट्स एंजॉय करो। तो सपोर्ट करते रहो भाई, बाकी लॉन्ग राइड तो भाई पक्की बात है भाई पक्की। अब मेरे को एक चीज़ ये नहीं समझ आ रहा कि भाई मेरे मोटो व्लॉग्स में विंड ब्लास्ट इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है, क्योंकि यार अब मैंने सब कुछ कर देख लिया भाई, अगर फिर भी आ रहा है मुझे अब समझ नहीं आ रहा।
अब मेरे को भाई या तो फर वाला क्लॉथ होता जो ना वो मंगवाना पड़ेगा माइक के लिए, उसके बाद शायद ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सोल्व हो जाए। फिलहाल हम पहुंच चुके हैं टूल टैक्स, वाओ वाओ, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या ड्रोन शॉट्स आते हैं ना बहुत ही बढ़िया आते। आपने भाई अगर वो होटल नहीं देखा था, मतलब रेस्टोरेंट नहीं देखा, अभी दिखाता हूँ आपको। एयरप्लेन वाला रेस्टोरेंट है भाई, ये देखो कितना बढ़िया है। बिंदल हलवा हवाई अड्डा, मैं इसको हर बार हलवाई अड्डा बोल देता हूँ। काफ़ी अच्छा है, मैं गया था यहाँ पर, खाना भी काफ़ी अच्छा है, डिज़ाइन भी अंदर से काफ़ी अच्छा है। भाई हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट, और यार पता क्या भाई, मैं यमुनानगर में ना जो ट्रैफिक वाला एरिया है ना वहाँ पर भाई अपना फ़ोन हेलमेट से उतार दूँगा, और फिर क्योंकि क्या है ना भाई ट्रैफिक में भाई रहता है डर, वहाँ पर थोड़े से ऐसे लोग हैं कि भाई सब फ़ोन मतलब खींच कर भी भाग सकते हैं, बिकॉज हमारे पास अभी गोप्रो नहीं है तो हम फ़ोन से मोटो व्लॉग करते हैं, तो इसलिए भाई हम क्या करेंगे फ़ोन ना पहले ही थोड़ी उतार देंगे, फिर पेमेंट लेके फिर हम सीधा चले जाएंगे भाई इसके सर्विस सेंटर बजाज के। यार एक तो मैं बाइक की ना आरसी लाया हूँ, अब मेरे को क्या पता था भाई मेरा मन बन जाएगा एकदम से कि सर्विस सेंटर जाना है, एक तो रोड इतनी ज़्यादा गंदी है भाई, झटके झटके। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, फिर हम चले जाएंगे भाई सर्विस सेंटर सीधा ही, देख लेंगे यार अगर कहेंगे भाई बिना आरसी के कर देंगे तो ठीक है भाई, बाकी फिर किसी और दिन आ जाएंगे भाई। अंकल ये लो, ओके अंकल जी। तो भाई अपना शेड्यूल हो चुका है चेंज, अभी मैं एक घंटे से पागल हो रहा हूँ था, पेमेंट ले लिया, बैग में रख लिया, अब मैं वापस जा रहा हूँ, सर्विस सेंटर नहीं जा रहा भाई, क्योंकि भाई गर्मी इतनी ज़्यादा, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा है, मतलब कह नहीं सकता भाई मैं, इतनी ज़्यादा है। और भाई अभी यार जो मैंने पैसे दिए भाई, आप सब लोग मतलब काफ़ी लोग कहते हैं कमेंट में, मतलब लोग कहते हैं कि भाई इनको पैसा नहीं देना चाहिए भाई, यार अगर हम भाई फिजूल में इतने पैसे उड़ा देते हैं, मतलब 500,000 की नहीं परवाह करते, तो यार इनको थोड़े से पैसे देने से हमारा कुछ कम नहीं हो जाएगा, उनको भी खुशी मिलेगी हमें भी मिलती है भाई। तो ये नहीं मैं कहता कि भाई सारे पूरे दो, जितने यार आपके मन करें भाई दे सकते हो यार, आप 30-40 रुपए से कुछ नहीं बिगड़ता यार आप सभी का, एंड वो भी काफ़ी खुश हो गए थे, कर दिया करो भाई इनकी हेल्प। तो अभी वापस जा रहे हैं भाई, अब हम मोटो व्लॉग करेंगे बढ़िया से, रेस दी नहीं भाई रेड लाइट पहले, ओ फक भाई 40 सेकंड की यार, 40 सेकंड की भाई रेड लाइट, बंद कर देते हैं यार बैटरी फूकती है यार भाई, पल्सर नहीं बैठे, मैं क्या करूँगा है,
रोटी खाएगा। बेचारा बढ़िया चलो वो कहता भाई बढ़िया मतलब अच्छा लगता है उनको भी खुश देखकर, खुश हो गया बेचारा, कहता रोटी खानी है, भूख लगी होगी यार खा लेगा कुछ, 10 रुपये में रोटी तो नहीं आएगी पर कुछ ना कुछ तो बेचारे का ही जाएगा। अरे 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 अभी आंटी जी गिर जाती भाई, ध्यान से थोड़ा भैया, ये देखो भाई झटके मरवा रहा है जान जान कर, ये यहाँ से पता लग जाता भाई बेकार लोगों की पहचान भाई। ये बताओ भाई इंडिकेटर जब भाई भगवान ने दिए हैं बाइक पे, वो मतलब इंसान ने दिए हैं भाई बाइक पे, ये क्या होता है हाथ दे रहे हैं भाई बताओ यार, ट्रक वाला आ रहा है हाथ ही तोड़ दे। आवाज आया मेरे को भाई, यार भाई परेशान हो गया हूँ मैं यार, ये क्या है हर बार भाई यही चक्कर होता है। क्या हुआ आ गया ना भाई अपना फेवरेट रोड, ये वाला रोड सीधा जाता है सहारनपुर के लिए, मज़ेदार ज़िंदगी। ये चीज़ मेरे को काफ़ी अच्छा लगा भाई, ये चीज़ आप भी भाई फॉलो करना, ड्राइव सेफली बीवेयर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, सही बात है भाई। अगर आप स्पीड में भी हो ब्रेक मारो जितना मार सकते हो, ये नहीं कि उनके ऊपर से चढ़ा दो, उनको भी पेन होती है। अगर आपके लातों के ऊपर से कोई गाड़ी चला दे, एक बार इमेजिन करो कोई ट्रक का टायर आपकी लातों के ऊपर से भाई कुचले और आपको कितना ज़्यादा पेन होगा, तो उनके भी यार उनको भी दर्द होता है, उनमें भी आत्मा, ठीक है ना भाई। कई लोग तो भाई स्पीड में होते हैं डर के मारे भाई ब्रेक ही नहीं मारते कि अपना एक्सीडेंट ना हो जाए। स्पीड में चलाओ ना, लिमिट में चलाओ, देख कर चलाओ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ये होता है रोड, जो कि असली मजा आता है एक राइडर को भाई साहब। ओए सुपर बाइक भाई 200 पर जाए बंदा, क्या मजा आएगा, साथ में आवाज आए बढ़िया सी भाई साहब, मजा ही आ जाए। वो जैसे आंटी ने भाई रेड कलर का सूट डाला हुआ है ना, वैसे सब्सक्राइब का बटन भी रेड कलर का होगा, खींच के दबा दो भाई, इसको रेड से ग्रे कर दो ना। ये देखो भाई कितनी काफी बढ़िया चीज है ये भी, ये देखो भाई है ना बढ़िया रेस्टोरेंट, एयरप्लेन साइडों में दो दो हेलीकॉप्टर। तो भाई यही था यार आज का छोटा सा व्लॉग, मतलब व्लॉग छोटा तो नहीं था, मीडियम साइज़ का था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब मारो यार, 1 नवंबर तक करा दो, 3K मेरा बर्थडे है 1 नवंबर को, तो काफ़ी खुशी मिलेगी मेरे को। एंड मिलते हैं भाई आगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन राइट सेफ, दिस इज़ क्योर फिल्म्स साइनिंग ऑफ, टिल देन बाय बाय गाइस, मिलते हैं एक बढ़िया से नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।